हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परमिंदर सिंह। आपको मैं जोधपुर घुमाने जा रहा हूँ। बस मैं आपको सारी की सारी बावड़ियाँ और जितने भी वाटर रिसोर्स हैं जोधपुर के वो दिखाऊंगा। जोधपुर बहुत बड़ा है, सो इट विल टेक टू मच टाइम। बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। पहला वीडियो मेरा सिर्फ बावड़ियों और वाटर रिसोर्सेज पे होगा। दूसरे वीडियोज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी दूसरे वीडियोज़ हैं। यहाँ के मॉन्यूमेंट जोधपुर को एक दिन में देखना संभव नहीं है। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं जोधपुर घूमने के लिए, तो जोधपुर घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन लेने पड़ेंगे। जोधपुर के आसपास के विलेज एरिया को देखने के लिए पूरा एक दिन लगेगा। सैंड ड्यूज़ देखने का टाइम, सैंड ड्यूज़ देखेंगे आप, मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, ओल्ड टेम्पल्स देखेंगे। यहाँ का फोर्ट अपने आप में इतनी शानदार, इतना मैसिव फोर्ट है, उसको देखने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। ओल्ड सिटी एरिया। तो स्टार्ट करते हैं हम वाटर रिसोर्सेज से, चलिए मेरे साथ। सो हम आपको लेके चल रहे हैं आज गुलाब सागर। गुलाब सागर एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स है, मतलब एक तालाब जितना बड़ा नहीं है, लेक जितना बड़ा नहीं है, बट फिर भी एक सिटी के इनसाइड में इतना बड़ा वाटर रिसोर्स मिल रहा है, एक बहुत अद्भुत बात है। सही पोजिशन है मेरे मुँह के सामने। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पुलिया है। लास्ट ईयर इसको नया बनाया गया था। ये बहुत साल पुरानी है, कहते हैं 85 से भी ज़्यादा पुरानी है। इसका रिनोवेशन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा साइज इसका बढ़ गया है। सामने आप एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो इन बिल्डिंग्स के पीछे है, वो है यहाँ का फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट। उस बात में लेके चलेंगे। बहुत पूरा पुलिया से नीचे उतरते ही आप जाएंगे नई सड़क की तरफ, सामने वाली सीधी रोड। सुबह का समय है, ज़्यादातर रोड्स खाली मिल जाएगी आपको। फ्रेंड्स, ये नई सड़क है। आपको ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेसेस अगर खरीदनी है तो ये बिल्कुल सही लोकेशन है। आप नई सड़क के आगे अगर त्रिपोलिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी मार्केट मिल जाएगी कपड़ों की, बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो मैक्सिमम फॉरनर्स यहीं से अपना सामान लेके जाते हैं, जूतियाँ हैं या बंदेज है या ट्रेडिशनल चादरें हैं बाड़मेरी प्रिंट की। सो यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स हियर ऑन दिस रोड। सो बहुत मैसिव मार्केट है, और ये मार्केट ख़त्म होते ही आता है घंटाघर, द क्लॉक टावर। सामने हम लोग एंटर करने जा रहे हैं सरदार मार्केट गिरदी कोट, और अंदर आप देखेंगे दिस इज क्लॉक टावर। फ्रेंड्स, ये मार्केट पूरी क्लोज्ड इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग टाइम है, मेरे विजिट का सबसे बेस्ट टाइम है। सोर्सेज के अनुसार ये इसके अंदर जो मैनुअल घड़ी लगी हुई है मैकेनिकल, ये सरदार सिंह जी ने 1911 में लंदन से मंगवाई थी। इसके ग्राउंड फ्लोर पे नगर निगम का ऑफिस है, 10 बजे खुलता है। आप टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं और देख सकते हैं अंदर का मैकेनिज्म। आसपास की मार्केट भी 9 बजे के आसपास खुलनी चालू हो जाती है। दिस इज मॉर्निंग टाइम, इसीलिए आप ये बंद देख पा रहे हैं। And behind this, that is the massive fort, मेहरानगढ़ fort, जो 15th century में राव जोधा ने बनवाया था। आगे पोल से निकलते ही आप राइट में टर्न करेंगे और हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा, दैट इज गुलाब सागर।
सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दिस इज गुलाब सागर, ये दो पार्ट में विभाजित है, बच्चा गुलाब सागर एंड गुलाब सागर। अभी जो आप देख रहे हैं दैट इज गुलाब सागर, आगे चल के आपको छोटा बच्चा गुलाब सागर भी दिखाते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की कि लोगों को ना जितना भी पूजा सामग्री और ये सब है ना वो यहीं पे फेंकना है, मतलब कितनी भी क्लैरिटी कितना भी क्लियर कर दे पर लोग उसको वापस वापस गंदा करने में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे नगर निगम का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ पड़ा है, लोगों ने बता रखा है यहाँ पे ये सब नहीं फेंकें, नारियल की खाल, बांस, लकड़ी, प्लास्टिक ये सब ना फेंकें, लेकिन फिर भी लोग जो है वो बाज नहीं आते। सो आप मेरे ये एक बीच में से रोड छोटी सी गली निकल रही है और गुलाब सागर के, तो आप मेरे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं गुलाब सागर है और राइट साइड में जो है वो बच्चा गुलाब सागर है। उसके सामने एक और मॉन्यूमेंट देख रहे हैं आप, अब वो महिला बाग स्कूल बन गया है। This is also known as Gulab Rai ka Mahal. इसका निर्माण गुलाब राय जी ने 1788 में करवाया था। गुलाब राय जी जो हैं वो महाराजा विजय सिंह जी के पासवान थे। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये पहले गुलाब सागर में पानी आने का रास्ता यही रास्ता था। यहाँ से देखो ये बच्चा गुलाब सागर की तरफ पानी अंदर जाता था, देख रहे हो उधर। देखो कितनी लंबी है आगे तक नाला, देखो ये कितना लंबा है। हम थोड़ा सा आगे तक जाके देख सकते हैं बट बैट्स वैट्स हो सकते हैं, तो चीज का ध्यान रखना है। सो ये पुराने समय की नहर है जो बंद है, जहां पे गुलाब सागर तक पानी पहुंचाया जाता था। चलिए फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं इसी के बहुत क्लोजेस्ट में बना हुआ एक ग्राउंड वाटर रिजर्वेयर, दैट इज तूर जी का झालरा। दिस इज ए स्टेपवेल जो 1740 में बनाया गया था क्वीन ऑफ महाराजा अभय सिंह, और मोस्टली स्टेपवेल्स का निर्माण इसलिए किया जाता है कि राउंड द ईयर आपको वाटर मिल सके, क्योंकि आप नहरों के थ्रू या रेन वाटर हार्वेस्ट के थ्रू आप पूरा साल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये 200 फिट गहरा है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।